मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है शब्बीर? यस मैम, आ रही है मैम। ठीक है, लैंग्वेज की बुक निकाल लो, हिंदी लैंग्वेज की। यस हम लोग ने चैप्टर बताओ कहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसमें? विशेषण पढ़े हैं, यस मैम, क्रिया भी हो गया था मैम। विशेषण और क्रिया हो गया है। यस मैम, मैम अब इलेवन क्या चैप्टर था? से पढ़। 11 क्या है हमारा? मैम काल एवं बचन। काल एवं वचन, बात 6 है। ठीक है, चैप्टर 11 है। यस मैम, चैप्टर 11, ठीक। काल एवं वाच्य। काल जानते यस हो क्या होता है? पहले हम लोग काल यस पढ़ेंगे, ठीक है? काल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। बताइए क्या होता है काल, बताओ रुक जाएगा शब्बीर। मैम। दो ठीक है, बताए ना। मैम, हाँ बताओ क्या होता है काल। हाँ मैम क्रिया या बताओ। मैम जिसे किसी क्रिया के होने का समय पता चलता क्रिया के होने का पता नहीं चलता है। क्रिया है मैम, के क्रिया जिस रूप से समय के होने का पता चलता है कि किस समय में कार्य को किया गया है, ठीक है? कि वर्तमान में किया गया है, कि भूत में काल में किया गया है, कि भविष्य में किया गया है, ठीक है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी समय का होने का पता चले या होने का बोध हो, ठीक है? कि किस समय में कार्य को किया गया है, यही हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है, ठीक है? इसके 3 भेद होते हैं, ये तो जानते हो, यस मैम, ठीक। फर्स्ट होता है वर्तमान काल, भूतकाल भविष्यकाल। सेकेंड होता है भूतकाल, और थर्ड होता है भविष्य काल, ठीक। यस मैम, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, क्या होता है वर्तमान काल? अभी अभी का समय। का समय, वर्तमान समय मतलब होता है जो समय चल रहा है या जिस समय में प्रेजेंट टाइम में कार्य को किया जा रहा है, ठीक है? या वर्तमान शब्द का प्रयोग चल रहे समय के लिए किया जाता है, जिससे यह पता चले कि यह कार्य अभी चल रहा है या अभी हो रहा है, ठीक है? हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये कौन सा काल है बताओ? वर्तमान वर्तमान। वर्तमान हम कल पढ़ाएंगे भविष्य भविष्य, हम कल पढ़ाए थे भूतकाल। भूतकाल। तो समझ में आए तीनों कि वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, जो अभी दिख रहा है कि हाँ ये कार्य हो रहा है, ये वर्तमान काल होगा, ठीक। भूतकाल वह होगा जिसमें कार्य को किया जा चुका है, ठीक है? इसमें ऐसे समझ लो वर्तमान काल में कि जो अभी चल रहा है, कि भूतकाल में क्या होता है, कार्य को किया जा चुका होता है, ठीक है? कार्य को किया किया और भविष्य में क्या होगा, कार्य को किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य का, ठीक। जाएगा। वर्तमान काल, भूतकाल और थर्ड हमारा है भविष्य काल, ठीक। वर्तमान में जो अभी चल रहा है, जो अभी समय में कार्य को किया जा रहा है,
भूतकाल में क्या होता है कि वो कार्य ऐसे कार्य जिन जो कार्य हो चुके हैं ठीक है या किया जा चुका हो, और भविष्य काल में क्या होगा जो कार्य को किया जाएगा या कार्य करने के लिए सोचा जा रहा है ठीक है। ये तीन चीज आप लोगों की हो गई, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल ठीक। अब देखो ये क्या हो? आप लोगों ने अभी तक तो सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में पढ़े हैं कि काल के तीन भेद होते हैं, तीन के बारे में पढ़े। लेकिन क्या है अब यहाँ से जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी आप लोगों की वैसे वैसे आप लोगों का कोर्स भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वर्तमान काल को भी तीन टाइप्स में बांटा गया है ठीक है। यस मैम समझ। जैसे वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और सांधिक। सामान्य में मतलब सामान्य शब्द से ही समझ में आ रहा है, जो कार्य जो काल होगा वो सामान्य रूप में किया जा रहा होगा ठीक है। अपूर्ण मतलब जो कार्य को अधूरा होगा ठीक है, और अपूर्ण होगा, और जो संदिग्ध है जिसपे संदेह होगा, शक होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान काल ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम पढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिन शब्दों द्वारा कार के सामान्य रूप से चलने वाले समय काल का होने का बोध होता है, किससे का होगा, जिसके द्वारा कार्य के सामान्य होने का बोध हो ठीक है। जैसे मोर नाचता है ठीक है, इससे ये तो नहीं कह सकते हो ना कि मोर नाच चुका है, मोर नाचेगा, क्या ये कह सकते हो, नहीं कह सकते। जो हमारी फिक्स चीज है ठीक है, मोर नाचता है ये हम लोग जानते हैं, ये वर्तमान में सामान्य वर्तमान काल की बात कही जा रही है। मोर नाच चुका है, मोर नाचेगा, ऐसा कुछ भी वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल में ये काम नहीं होगा ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, समान वर्तमान काल। समझ में आया, समान वर्तमान काल क्या होगा, जो चीजें हमारी फिक्स हैं ठीक है। चांद चमक, सूर्य निकलता है, निकल चुका है, निकलेगा, क्या ऐसा होता है, नो मैम, नहीं ना। तो ये चीज ऐसी चीजें हैं जिन जो चीज हमारी फिक्स हो वो हमारी क्या होंगी, सामान्य वर्तमान काल ठीक है। इसमें यहाँ पे पढ़ लो क्या कह रहा है कि जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से, जो सामान्य जनरल में चलता है जो कार्य, उन्हें हम काल का होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं ठीक है। सेकंड है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल ठीक है। जिन शब्दों द्वारा यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण मतलब क्या होता है, समाप्त नहीं हुई है, तब अपूर्ण वर्तमान काल होगा। कैसे, जैसे नूतन मंदिर जा रही है, क्या ये कार्य समाप्त हो चुका है, नो मैम, नहीं, नूतन अभी मंदिर जा रही है ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे और एग्जांपल है, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उनका भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों होगा, क्योंकि एक तो समय चल रहा है, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, ये समय पे काम हो रहा है, लेकिन कौन सा वर्तमान काल है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है ठीक। थर्ड है सांधिक वर्तमान काल, जिसमें डाउट हो, शक हो, संदेह हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सांधिक वर्तमान काल। जैसे जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में ही कार्य हो रहा होगा, लेकिन क्या होगा, उसके होने या घटित, जो घटित हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, उस पर संदेह होगा ठीक है, शक होगा, उसे हम सांधिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे टीवी पर मैच आ रहा होगा ठीक है, अब होगा से तुम ये मत सोचना कि भविष्य काल में कार्य को किया जा रहा है, टीवी पर मैच आ रहा होगा, वो काम हो रहा है, टीवी पर मैच दिखाया जा रहा है ना ठीक है, तो ये वर्तमान काल है। लेकिन कैसा वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। यस मैम, तो समझ में आया, तीनों वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल ठीक है। ये तीनों क्या है, ये वर्तमान काल के भेद हैं ठीक है, समझ गए शब्बीर। सेकंड है भूतकाल ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, भूतकाल। भूतकाल जानते हो क्या होता है, कि भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जा चुका है। क्या होता है कि जो कार्य हम लोग कर चुके होते हैं या जो कार्य समाप्त हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं
जैसे मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली, मोहन क्या किया, एक खेल में प्रतियोगिता प्रतिभागी बना और वह प्रतियोगी प्रतियोगिता जीत गया। तो ये क्या हुआ, ये भूतकाल में ये कार्य हो चुका है, वो जीत चुका है, ठीक है। इसके भी कई भेद होते हैं, इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। सामान्य, इसमें भी सामान्य भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सांधिक्त भूतकाल और हेतु और हेतुमत भूतकाल। देखो सामान्य भूतकाल वैसे ही होगा, ठीक है, सामान्य क्रिया द्वारा बीते हुए समय में जिस कार्य की परिणति होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। रानी ने दासी को बुलाया, ठीक है, ये भूतकाल सामान्य भूतकाल है कि रानी ने दासी को बुलाया होगा, ठीक है, ये बीत चुका है कार्य, तो ये हमारा क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जब कार्य तुरंत पूरा हुआ हो या भूतकाल में शुरू हुआ कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा ऑफिस से आ गए हैं, ठीक है, ये क्या है, भूतकाल में है कार्य, पापा आ चुके हैं, ना कि पापा आ रहे हैं या आ रहे होंगे, क्या ये दोनों की बात की चर्चा की जा रही है, ये क्या है कि पापा ऑफिस से आ गए हैं, ये भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन आसन्न भूतकाल है, क्यों, क्योंकि ये कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, तुरंत ही जस्ट ही आए हैं पापा। इससे क्या पता चल रहा है, भूतकाल में तो कार्य है लेकिन कैसा कार्य है, तुरंत समाप्त हुआ हुआ कार्य, ठीक है, जो अभी तुरंत समाप्त हो। फिर उसके बाद है पूर्ण भूतकाल, जब कार्य बीते हुए समय से बहुत पूर्व समाप्त हो चुका हो, ठीक है, ये कार्य कैसा होगा, समाप्त हो चुका है लेकिन कैसा, बहुत ही पहले का ही समाप्त हो चुका है, ऐसे कार्य काल को हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। जैसे प्रभु कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजाजनों को सुख प्रदान किया था, कंस का जो युद्ध हुआ था, वध हुआ था, वो बहुत ही पहले हो चुका था, ये चीज तो आप जानते हो, क्यों, ये भूतकाल में है, ये काम कब हो चुका है, भूतकाल में है लेकिन कब है, बहुत ही पहले किया जा चुका है, जैसा बोले राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, तो ये कार्य कौन सा होगा बताओ, मैम कौन सा, राम ने रावण का वध किया, ये कौन सा काल है, मैम ये वर्तमान है, मैम ये भूत, क्यों, वर्तमान में राम ने रावण का वध किया है, अच्छा नहीं, ये कार्य तो ये भूतकाल है क्योंकि रावण का वध हो चुका है, ये पूरी तरीके से समाप्त हुआ काल है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में, जो अपूर्ण मतलब वही जो अभी बताए थे कि जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ हो और अभी अभी समाप्त हुआ हो, ये भी कार्य क्या होगा, अभी अभी समाप्त हुआ होगा या होने वाला होगा। जैसे बंटी और बबली लड़ रहे थे, ठीक है, बंटी और बबली लड़ रहे थे, तो ये कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन क्यों, कब, कैसे, ये कार्य अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, समझ रहे हो, कि जिससे ये पता चले कि ये कार्य अभी हुआ है। फिर लास्ट है सांदिग्ध भूतकाल, ये वही जिसमें डाउट हो, शक हो, संदेह हो, कि ये शक के बेस पे होता है, ठीक है, जब कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, वह सांदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, संदेह हो, समझ रहे हो शब्बीर, यस मैम, जिसमें क्या हो कि संदेह तो होगा लेकिन वो कार्य किसमें हुआ है, भूतकाल में हो चुका है वो कार्य, ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सांदिग्ध भूतकाल, समझ गए, बोलो, ठीक। और हेतु हेतु मद भूतकाल, ऐसे कार्य जो भूतकाल में हो सकते थे, ठीक है, इन वाक्यों से क्या पता चलेगा कि ऐसे कार्य हैं ये जो भूतकाल में हो सकते थे, जैसे यदि मैं भी मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती, ये भूतकाल की बात हो रही है, हो रही है कि नहीं, वो क्योंकि फेल हो चुकी है, अगर वो मेहनत की होती तो क्या होता, वो पास हो सकती थी,
यही बताया जा रहा है ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे, अगर वो पढ़ी होती तो आज पास होती ना, क्यों? यस मैम, तो यही बताया जा रहा है, यही होता है हेतु और हेतुमद भूतकाल। ठीक, और लास्ट हमारा अब क्या बच रहा है, भविष्यकाल। भविष्यकाल जो तुम जानते हो क्या होता है बताओ मैम। भविष्यकाल जो अभी होने वाला है, होगा, जो अभी होने वाला है, ठीक है, होगा, ठीक है। क्या है कि भविष्य शब्द का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है, जो आने वाला है, एक तो बीत चुका है, भूतकाल में क्या है, बीत चुका है, वर्तमान काल में चल रहा है और भविष्य काल में आने वाला है, ठीक है। इसके सिर्फ दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल और एक दूसरा क्या है, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य में क्या होगा, वैसे ही होगा जो सामान्य में रूप में बात की जा रही है, कि आने वाले समय में जिस कार्य का कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है। इससे क्या होता है, जो आने वाला समय है उसमें क्या है, सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे होली में सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलेंगे, ये आने वाला समय है कि नहीं, होली आने वाली है, मार्च में होली है, तो आने वाले समय की पहले, यहाँ तो पहले आने वाले समय की बात की जा रही है, ठीक है, और ये कौन सा काल है, सामान्य भविष्य काल, ठीक है, जो हमें पता है कि होली में क्या होता है, एक दूसरे को रंग लगा के लोग गले मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया काल, ये समझ में आया, बताओ शब्बीर। यस मैम। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में किसी में कंफ्यूजन है? नो मैम। इनके टाइप्स भी समझ में आ गए? बताओ। यस मैम। आप चलते हैं वाच्य, जो एक दूसरा है इसी में ज्वाइंट चैप्टर है, ये है हमारा वाच्य। वाच्य भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाच हमारे कितने होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। तीन होते कि दो होते बताओ? तीन होते हैं, ठीक। एक होता है कृतवाच, कृतवाच। दूसरा वाच होता है कर्मवाच, भाववाच और भाववाच, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कृतवाच, कुछ पता है इस बारे में, जानते हो क्या होता होगा, क्यों? बोलो, नहीं पता है शब्बीर? मैम देखो, हाँ बताओ, हाँ बताओ। वचन और पुरुष को मैम कर्ता के अनुसार किया जाता है? नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें कार्य कौन कर रहा होगा, कर्ता, ठीक है। कृतवाच में क्या होगा, कर्ता के अनुसार कार्य को किया जा रहा होगा, ठीक है। इसमें मेन कौन है, मेन है हमारा कर्ता, ठीक, समझे। इसमें क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग हो, उसे हम कृतवाच कहते हैं। मतलब कि कृतवाच में क्या होता है, कर्ता में होता है, ठीक है, कर्ता पे ही कार्य डिपेंड होता है, ठीक। जैसे राकेश दौड़ता है, इसमें बताओ कृतवाच क्या है, कृतवाच है, होगा कि नहीं होगा? दिख नहीं रहा है ना, दौड़ता है मैम, होगा। हम यहाँ पे लिखें, राकेश दौड़ता है, ये पहले बताओ कौन सा, कृतवाच होगा कि कर्मवाच होगा कि भाववाच होगा? मैम कृतवाच। क्यों होगा, मैम क्यों होगा? इसमें जो कर्ता दौड़ रहा है, इसमें राकेश की बात की जा रही ना, कौन दौड़ रहा है बताइए, कौन दौड़ रहा है इसमें? राकेश।
राकेश, तो पूरा पूरा वाक्य किस पे डिपेंड हो रहा है इसमें? पूरा वाक्य राकेश पे, तो कर्ता कौन है यहाँ पे? राकेश, राकेश। तो यही हमारा क्या हो जाता है? कृत्यवाच। समझ गए आप? यस मैम। आप समझे, इसमें कर्ता मेन होगा, ठीक है? पूरा कार्य जो वाक्य होगा किस पे डिपेंड होगा? कर्ता पर, ठीक। कर्मवाच, नाम से ही पता चल रहा है, कर्म मतलब कार्य को करना, ठीक है। जब किसी वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है तब वह कर्मवाच होता है, ठीक है। जैसे इसमें कर्ता होगा, इसमें कर्म हो मेन होगा, ठीक है, कर्म होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसमें बताइए क्या होगा, कृतवाच है कि कर्मवाच है कि क्या है? बोलो शब्बीर। पत्तिका द्वारा आम खाया जाता है। तो ये कौन सा वाच्य होगा? मैम कर्मवाचक वाच्य। कर्मवाच क्यों होगा? मैम इसमें सिर्फ कृतिका द्वारा कोई कर्म हो रहा है। क्यों, क्या कार्य कर रही है कृतिका? किस चीज का कार्य कर रही है? आम खाने का, खाने का कार्य कर रही है कृतिका, इसमें मेन नहीं हुए, ठीक है। इस कृतिका को कौन सा कार्य डिपेंड कर रहा है? आम खाने का, ठीक है। वो मेन कौन है इसमें? जो कार्य कर रही है ये मेन। कृतिका क्या कर रही है यहाँ पे? मेन क्या उद्देश्य है कि कृतिका कौन सा काम कर रही है? तो कृतिका आम खाने का कार्य कर रही है, वो एक कर्म कर रही है। खाना एक क्या है? कर्म है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा हो जाता है कर्म वाच्य। समझ में आया? यस मैम। दोनों चीज समझ में आ गई, इसमें कर्ता होता है, इसमें कर्म होता है, ठीक है। भाव में क्या होता है? जो हमारे अंदर के मनोभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब किसी वाक्य के भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन, इन्हीं तीन का प्रयोग किया जाएगा, लिंग वचन और पुरुष का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो वहां भाववाच्य होता है। जैसे बच्चों से फुटबॉल खेला नहीं जाता, ये बताओ क्या ये भाववाच्य है कि क्या है? कर्मवाच्य कि कृतवाच्य? बताओ शब्बीर, ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य मैम, लास्ट वाला ही होगा। क्यों भाववाच्य होगा ये बताओ, यहाँ पे क्यों होगा भाववाच्य? बच्चों के फुटबॉल खेला जा रहा है, तो भाववाच्य कैसे हुआ तब? तो ये तो करता और ये कृतवाच होना चाहिए। देखो नहीं पता ये वाला? No, इसमें क्या होता है? इसमें देखो कर्ता भी है कर्म भी है, ठीक है, यहाँ पे कर्ता भी है कर्म भी है, लेकिन बच्चे की मनोदशा को बताया जा रहा है यहाँ पे। किसकी दशा को बताया जा रहा है? मनोदशा को बताया जा रहा है, उसके भाव को बताया जा रहा है कि उससे खेला नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, लेकिन क्या है ये अंदर के मन के भाव है ना कि हमसे ये कार्य नहीं होगा क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है, यही मतलब है ना। तो ये भाववाच क्या है? अंदर के मन के भाव को उत्पन्न कर रहा है, मनोभाव को बता रहा है, इसलिए क्या हो गया? भाववाच्य। समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो इससे तीनों समझ में आया इसमें? यस मैम।
कुछ कंफ्यूजन इसमें कृतवाच कर्मवाच और भाववाच में? बोलो। नो मैम। कृतवाच में कर्ता मेन होगा, ठीक है, कृतवाच में क्या होगा, कर्ता मेन होगा। जैसे हम बोले राधिका पत्र लिखती है, राधिका पत्र लिखती है, तो बताओ क्या होगा, कृतवाच होगा कि कर्मवाच कि भाववाच? मैम कैसे? हमने पूछा राधिका पत्र लिखती है, ये कौन सा वाच्य है? बताओ। बोलो शब्बीर। पत्र लिखती है, इन दोनों में इन तीन कर्म वाच नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या मेन है, कौन पत्र लिख रहा है, ठीक है। तुमने कहा ये कर्मवाच होगा क्योंकि वो लिख रही है, इसमें मेन कौन है, कौन लिख रहा है, कौन कार्य को कर रहा है, बताओ। कृतिका। राधिका, ठीक है, इसमें राधिका कार्य को कर रही है, मेन क्या है उद्देश्य इसका, राधिका है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कृतवाच होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है शब्बीर? बताइए। मैम लेकिन उसमें कर्मवाच्य भी तो था मैम। अच्छा यहाँ भी बताओ, बच्चे दौड़ते हैं, ये क्या है, बच्चे दौड़ते हैं कौन सा वाच्य है? मैम कर्मवाच्य। नहीं बेटा, कर्म इसमें क्या हो रहा है, कर्म क्या हो रहा है, इसमें मेन किसकी बात की जा रही है? बच्चे, बच्चे की बात की जा रही है, ये बच्चा मेन है, तो ये कृतवाच है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हम तुमसे अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम तुमने कहा ये कर्मवाच है, समझ रहे हो शब्बीर? यस मैम। कर्मवाच है, हम कहें कौन दौड़ रहा है, हमने तुमसे क्वेश्चन किया कि कौन दौड़ रहा है, तब तुम क्या बोलोगे? बच्चे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? बच्चे। बच्चे, इसलिए ये कृतवाच हुआ क्योंकि बच्चे मेन है, कौन दौड़ रहा है वहां पे, बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे दौड़ते हैं, ये कृतवाच होगा क्योंकि बच्चे कार्य को कर रहे हैं, समझे? यस मैम। अब जैसे अगर हम बोले कवि द्वारा कविता लिखी गई, अब ये बताइए कौन सा वाच्य है? मम्मी कृतवाचक है। फिर गलत बताए मैम, क्योंकि कवि के द्वारा कविता लिखी जा रही है ना, तो रचना किसकी हो रही है, कवि कौन सा कार्य कर रहा है? कर्मवाचक में रचना को देखेंगे, कर्मवाच में कार्य को देखेंगे, कर्म इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कर्मवाच में क्या होगा, कार्य को देखेंगे, कर्म को देखेंगे, और कृतवाच में कर्ता मेन होगा, ठीक है। Yes, नहीं समझ में आया तो फिर उसे बताएं हम, बताओ शब्बीर। आ गया। ये बताइए कौन सा वाच्य है? मैम कर्मवाच्य, मैम खाना बना रही है। वेरी गुड, अब समझ में आया कर्मवाच कब होगा,
जब यहाँ पे कर्ता कोई कार्य को कर रहा होगा, ठीक है, वहां पे मेन काम को किया जा रहा होगा, कर्म होगा उसके साथ, कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहेगा, कर्म जुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच, ठीक है, कर्मवाच। आप समझ में आया? यस मैम। तीन कंफ्यूज मत होना, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच में, ठीक है? यस मैम। ये बताओ क्या है, कौन सा वाच्य है? बताओ। बोलो मैम। कृत कृतवाच क्यों है? मैम कविता, क्योंकि कवि ने लिखी है। वेरी गुड, अब समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कवि मेन है, कविता कौन लिख रहा है, कवि लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कृतवाच होगा। अगर हम यहीं पे बोले कि कवि के द्वारा कविता लिखी गई, ठीक है, तो ये हमारा तब क्या होगा, बताइए, तब क्या हो जाएगा? कर्मवाच हो जाएगा। कर्मवाच होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कृतवाच में क्या था, कवि मेन था, कविता कौन लिख रहा है, कविता कवि लिख रहा है, और अब यहाँ पे कवि कौन सा कार्य कर रहा है, कविता लिखने का कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कर्मवाच। समझ में आ गया इतनी चीज? यस मैम। भूलोगे तो नहीं? नो मैम। राधा से ये कौन सा वाच्य है, ये बताओ। राधा से दौड़ा नहीं ज्यादा मैम, भाव वाच्य है मैम, क्योंकि दौड़ा नहीं ज्यादा है, क्योंकि दौड़ा नहीं जाता है, ये उसके मने मन के भाव को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा हो गया, भाववाच, ठीक है, समझ गए? यस मैम। ये कौन सा है, बच्चों से सोया नहीं जाता मैम, भाववाच्य, बच्चों से सोया नहीं जाता, भाववाच्य क्यों है मैम, सोया नहीं जा रहा। तो समझ में आया, भाववाच, कर्मवाच और कृतवाच कब होगा, तो क्लियर है ये चैप्टर, बताओ। yes, कुछ कंफ्यूजन इसमें, काल में और वाच्य no, में, तो इसको पढ़ लोगे अपने से एक बार, और इसको चेंज भी किया जाता है, ठीक है, कृतवाच से कर्मवाच में, कर्मवाच से भाववाच में आप लोग को परिवर्तन भी आता है, ठीक है, जो हमने अभी बताया था, कवि के द्वारा कविता लिखी गई, तो ये कर्मवाच था और कवि ने कविता लिखी, तो क्या हो जाएगा, ये कृतवाच, ठीक, क्लियर है? तो परिवर्तन कैसे होता है ये भी जान गए, कवि वाला जो उदाहरण दिए थे वैसे ही परिवर्तन होगा, ठीक है, कृतवाच के आप लोगों के शब्द रहेंगे, उसको परिवर्तन करना रहेगा कर्मवाच में, तो आप लोग समझ के कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है सबीर? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन इसमें जो ना समझ में आ रहा हो तुमको? नो मैम। काल वाला भी समझ में आ गया कैसे है, और ये वाच्य वाला भी, ठीक है, तो इसको ये पहले एक बार अपने से पढ़ लेना, ठीक है, बुक है ना? यस मैम। इसको एक बार पढ़ना, फिर देखना कि हाँ तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो, और एंड करें या कुछ पूछना चाह रहे हो? नो मैम।
कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसके पहले के चैप्टर में कोई कंफ्यूजन हो। नो मैम। चलो फिर, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।